हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गजबन सॉन्ग, जो कि बहुत ही फेमस सॉन्ग है। आज उस सॉन्ग पे अपन पूरा स्टेप बाय स्टेप डांस सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको ये वीडियो डांस सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप इन स्टेप्स को पूरा सॉन्ग के साथ देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक ओपन करके आप पूरा वीडियो विद सॉन्ग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बैक स्टेज खड़े हो जाना है, पूरा पैर बंद करके बैक एंड साइड खड़े हो जाना है। फर्स्ट राइट एंड साइड में जंप करके खड़े होना है इस तरीके से, वन। जब जंप करके खड़े होते हो तो राइट वाला लेग पूरा सीधा रखा हुआ है और लेफ्ट वाला लेग टो पे रखना है। 5 6 7 स्टार्ट, वन। इस तरीके से जब आप जंप करते हैं तो दोनों हाथों को वन करना है, टू में ऊपर करना है, थ्री में नीचे करना है, एक साथ। 5 6 7 स्टार्ट, वन टू। टू करते तो थोड़ा सा ऊपर देखना है, थ्री में वापस बराबर करना है, और फोर में लेफ्ट हैंड साइड टर्न करके सामने की तरफ आना है, थ्री, और चेंज करके जब सामने आ जाए तो दोनों पैर बंद है और हाथ कमर पे रखना है। उसके बाद में फर्स्ट राइट वाला स्टेप से आगे की तरफ टू टाइम तक टैप करना है, जैसे वन एंड टू। फिर इसी तरीके से लेफ्ट वाला लेग टैप करना है, थ्री एंड फोर। जब ये वाले लेग मूवमेंट करते हैं तो दोनों हाथ ऊपर रखना है और फिंगर्स पूरा जॉइंट रखना है, हाथ इस तरीके से। और फर्स्ट वन एंड टू, थ्री एंड फोर, थोड़ा थोड़ा सा अंगड़ाई लेते हुए चलना है। 5 6 7 स्टार्ट, वन टू थ्री और फोर। लेग मूवमेंट को टो से टैप करके आगे रखना है, वन टू थ्री और फोर। अभी पूरा 5 6 7 स्टार्ट, वन टू थ्री फोर 5 6 7 एंड 8। जैसे 8 लास्ट करते हो उसके बाद में राइट वाले लेग से टू टाइम तक राइट साइड जाना है टैप करके, 5 6 7 स्टार्ट, वन एंड टू। इसी तरीके से लेफ्ट वाले लेग से वापस लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में जाना है, थ्री एंड फोर। जब राइट हैंड साइड जाते हैं तो लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रखना है और राइट हैंड से यहाँ पे पूरा गले की तरफ हाथ लगाना है, वन एंड टू। और लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो राइट वाला हैंड स्ट्रेट करना है और लेफ्ट हैंड से थ्री एंड फोर, रेडी। 5 6 7 स्टार्ट, वन एंड टू, चेंज, थ्री एंड फोर। पैरों को थोड़ा सा उठा के टैप करना है और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी तरफ शोल्डर कर रखना है, लेकिन देखना सामने। 5 6 7 स्टार्ट, वन एंड टू थ्री एंड फोर। जैसे ही फोर लास्ट कर दो उसके बाद में राइट वाले स्टेप को आगे की तरफ टो टच करना है, वन। फिर टू में पीछे लेना है, टू। फिर थ्री में आगे, थ्री। थ्री में आगे टच करते ही टर्न कर लेना है और लेफ्ट वाला लेग आगे रखना है, राइट वाला लेग पीछे रखना है और थोड़ा सा स्काउट बनाना है, रेडी। 5 6 7 स्टार्ट, वन एंड टू थ्री एंड फोर। अब जब पैर आगे लेते हैं तब दोनों हाथों को मिक्स करना है इस तरीके से। पैर आगे जाएगा तो दोनों हाथों को शोल्डर राइट वाले शोल्डर पे टच करना है, और पैर पीछे आएगा तो लेफ्ट वाले शोल्डर पे टच करना है। फिर वापस पैर आगे आएगा तो पीछे करना, और यहीं से दोनों हाथों को टर्न करके लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में राउंड करके और यहाँ पे खड़े हो जाना है। जैसे ही टर्न लास्ट कर तो उसके बाद में फोर टाइम तक कमर चलानी है लेफ्ट हैंड साइड से, ये वन टू थ्री फोर। जब कमर चलाते हो तो लेफ्ट हैंड को तो लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड से थ्री टाइम तक फेस पे हाथ लेके आना है और फोर में यहाँ पे टच करना है। अब कमर और हाथ एक साथ, 5 6 7 स्टार्ट, वन टू थ्री एंड फोर। जैसे ही फोर लास्ट किया उसके बाद में राइट साइड वापस जंप करके इस तरीके से खड़े होना है। जब राइट साइड जंप करते हो तो दोनों हाथों को यहाँ से नीचे से दोनों हाथों को ऊपर लेना है, फिंगर्स पूरी जॉइंट रखनी है, फिर दोनों हाथों को नीचे रख देना है। 5 6 7 स्टार्ट, वन टू थ्री एंड फोर, चेंज, 5 6। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड टर्न करना है अपन को, लेफ्ट हैंड साइड टर्न करने के बाद में पीछे भागना है और दोनों हाथ ऐसे थ्री टाइम तक टैप करना है, वन टू थ्री, इस तरीके से पीछे जाना है। जैसे ही पूरा पीछे भाग के आते हैं उसके बाद में फर्स्ट राइट वाला स्टेप को बाहर निकालना है, फिर लेफ्ट वाला स्टेप को बाहर निकालना है, पैर खोल देना, वन एंड टू, इस तरीके से। जब राइट वाला स्टेप बाहर निकालते हो तो दोनों हाथों से राइट हैंड साइड इस तरीके से शेक करना है, लेफ्ट वाला निकालते हो तो लेफ्ट हैंड साइड शेक करना है, फिंगर्स जॉइंट रखना है, हाथ को इस तरीके से रखना है, वन एंड टू। जब पैर निकालते हो तो फिंगर्स पूरा जॉइंट रखना है, हाथ को इस तरीके से रखना है और शेक करना है दोनों तरफ। और जब पैर निकालते हो तो थोड़ा सा कमर को भी हिट करना है, 5 6 7 स्टार्ट, वन एंड टू। जैसे ही टू लास्ट करते हो उसके बाद में लेफ्ट हैंड को
लेफ्ट हैंड को हेड पे रखना है, राइट हैंड को ऐसे अराउंड करके कमर पे रखना है। जब हाथ को पूरा टर्न करते हो तो राइट वाले लेग को बैक किक करके फ्रंट में लाना है, इस तरीके से 1 एंड 2। जैसे ही 2 में लाए, राइट वाला हाथ कमर पे, लेफ्ट वाला हेड पे, और राइट वाले लेग को थोड़ा सा बैक किक करके वापस से वहीं पे रखना है 4, इस तरीके से 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में राइट वाले लेग को 2 पे स्लाइड करके राइट साइड पीछे की तरफ लेना है, इस तरीके से स्लाइड करके और चेंज करना है। उसके बाद में लेफ्ट वाले हाथ को भी कमर पे लेके आ जाना है। उसके बाद में राइट हैंड थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से करना है। ऊपर करने के बाद दोनों हाथों को खोलना है और शोल्डर से शेक करके थोड़ा सा नीचे होना है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद में राइट वाले लेग को 4 टाइम तक आगे की तरफ टो टच करना है, 4 टाइम तक थाई से कंटिन्यू 4 में टैप करना है, इस तरीके से 1 2 3 4। जब आप ये टैप कर रहे हैं तो फर्स्ट दोनों हाथों को फिंगर्स को जॉइंट रखना है, फर्स्ट नीचे की तरफ 1 2 में ऊपर, 3 में नीचे, 4 में ऊपर, 5 6 7 स्टार्ट, इस तरीके से 1 2 3 और 4। जैसे ही 4 लास्ट होता है उसके बाद में राइट वाले लेग से राइट साइड में आगे जाना है क्रॉस करके 2 टाइम तक 1 एंड 2। इसी तरीके से फिर लेफ्ट वाले लेग से लेफ्ट राइट साइड जाना है, इस तरीके से 3 एंड 4। जब ये लेग मूवमेंट करते हैं तो अपने हाथ यहाँ पे लास्ट पे 1 एंड 2 में तो यही रखना है 1 एंड 2, और 3 4 में लेफ्ट साइड कमर पे दोनों हाथ रखना है। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4। फिर हाथ वहीं पे, पैर से आगे जाना है 2 टाइम तक टैप करके 5 एंड 6। फिर जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो दोनों हाथ भी चेंज करना है 3 एंड 4। जैसे ही 8 लास्ट करते हैं उसके बाद में लेफ्ट वाला लेग आगे है, फिर राइट वाले लेग को राइट साइड तरफ बाहर निकालना और खड़े हो जाना, और लेफ्ट वाला लेग टो पे कर देना, इस तरीके से 1, फिर राइट वाला 2, फिर लेफ्ट वाला 3, फिर राइट वाला 4, कंटिन्यू 4 टाइम तक करना है। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 और 4, टो टच करना है। तो जब ये करते हैं तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और नीचे से ऊपर आना है 2 टाइम तक, 1 में ये, 2 में ये, और 3 4 में वापस हाथ सर के पे रखना है 3 एंड 4। रेडी, अब लास्ट क्या था, 5 6 7 स्टार्ट, चेंज 1 2 3 और 4। जैसे ही 4 लास्ट होता है उसके बाद में फर्स्ट राइट वाले लेग को आगे की तरफ टच करना और वापस पीछे लेना है, उसमें लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रखना है और राइट वाला लेग नीचे से ही आगे लेना है और नीचे से ही वापस पीछे लाना है पैर के साथ में, इस तरीके से 1 और 2। जैसे ही 2 लास्ट कर दे, फिर लेफ्ट हैंड साइड टर्न करना और पीछे की तरफ ही खड़े हो जाना है, टर्न करके और जंप कर देना है। जंप करने के बाद में उसके बाद में फर्स्ट राइट वाला हेड पे, लेफ्ट वाला कमर पे रखना है और राइट साइड में खड़े होके पीछे की तरफ देखना है 1 और 2 में हिट करना है 2। इसी तरीके से राइट साइड करना है 3 और 4 में हिट करना है। रेडी, 5 6 7 स्टार्ट, 1 हिट 2 हिट। 4 करने के बाद में फिर राइट वाले लेग को 4 टाइम तक टैप करना है, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 1 में यहाँ पे, 2 में यहाँ पे, 3 में यहाँ पे, और 4 में जब सामने आते हैं तो पैर जॉइंट करना है, इसके साथ में हाथों को चलाना है ऐसे 1 2 3 और 4 में कमर पे रखना है पैर और हाथ के साथ। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 और 4, और थोड़ा थोड़ा कमर भी चलाना है साथ। 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में पैर बंद कर देना। 8 में पैर बंद करने के बाद में फर्स्ट राइट वाले लेग को टैप करना है, 2 में लेफ्ट वाले को, इस तरीके से 1 और 2। जैसे ही टैप करते हैं उसके बाद में राइट वाले लेग से 2 टाइम तक टैप करना है फ्रंट में 3 एंड 4। फिर से राइट वाले लेग को बाहर निकालना है 1 2, फिर टैप करना है 3 एंड 4। जब ये लेग मूवमेंट करते हैं तो इसके साथ में हाथों को क्या करना है, फर्स्ट में राइट साइड राइट वाला लेग को फोल्ड, राइट वाले हैंड को फोल्ड करके लेफ्ट हैंड स्ट्रेट रखना है 1, फिर लेफ्ट हैंड साइड 2, फिर दोनों हाथों को हेड पे रखना है और 4 में कमर पे रखना है। अभी पैर और हाथ एक साथ, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4, एंड देन रिपीट 1 2 3 एंड 4। अभी स्टार्ट से लेके यहाँ तक कंटिन्यू, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 एंड 4, 5 6 7 8, 1 2 3 and 4, change 5 6 7 and 8, change 1 2 3
4, 5, 6, 7, and 8, and 1, 2, 3. Change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Change 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 1, hit, 2, hit, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. जैसे ही अपन यहाँ पे लास्ट करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट राइट वाले लेग को राइट साइड बाहर निकालना है, टो टच करना है, फिर राइट वाले लेग को पास में लेना है और लेफ्ट वाला टो टच करना है। जब राइट वाला टो टच करते हो तो राइट हैंड लेफ्ट वाले शोल्डर पे टच करना है, और लेफ्ट वाला लेग मूवमेंट टच करते हो तो राइट वाला शोल्डर इस तरफ टच करना है। रेडी, 5, 6, 7 स्टार्ट। फर्स्ट 1 and 2, 2 करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड टर्न करके फ्रंट में आ जाना है। चेंज 3 and 4 में पूरा कंप्लीट टर्न कर लेना। टर्न करने के बाद में लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड कमर पे रखना है और राइट हैंड को ऊपर रखना है, माथे की सर पे रखना है। उसके बाद में राइट वाले लेग को 2 times तक टैप करना है, 1 and 2, और थोड़ा सा आगे जाना है राइट हैंड साइड, जिसमें देखना सामने, और राइट हैंड को ऊपर की तरफ शेक करना है ऐसे, 3 and 4। 4 करने के बाद में खड़े खड़े 2 times तक कमर चलानी है राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड की तरफ देखना है और टैप करना है, 3 and 4। Ready, 5, 6, 7, start. 1, 2, 3, and 4. Change 5, 6, 7, and 8. जैसे 8 लास्ट कर दे, उसके बाद में फर्स्ट राइट वाले स्टेप को 2 times तक टैप करना है इस तरीके से, 1 and 2. फिर लेफ्ट वाले लेग को टैप करना है, 3 and 4. जब लेग टैप करते हैं तो ऑपोजिट साइड हैंड मूवमेंट को आंखों के ऊपर से लेना है, 1 and 2. लेफ्ट करते हो तो राइट हैंड, 3 and 4, इस तरीके से 5, 6, 7 स्टार्ट, 1 and 2, 3 and 4, 2 times तक टैप होगा। टैप होने के बाद में फर्स्ट राइट वाला टैप करना, सेकंड लेफ्ट, सिंगल टाइम तक इस तरीके से, 1 and 2। जब 1 and 2 करते हो तो हाथों को फिंगर्स को जॉइंट रखना है और इस तरीके से हाथ को खोलना है, 1 में राइट साइड, 2 में लेफ्ट हैंड साइड। रेडी, चेंज 1 and 2। रेडी, लास्ट 5, 6, 7 स्टार्ट, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6। जैसे 6 लास्ट करते हैं, उसके बाद में राइट वाले लेग को आगे की तरफ हिट करना है, 1 करने के बाद 2 में पीछे की तरफ जंप करना है, 2। जब आगे की तरफ फ्रंट में टो टच करते हो, हिट करते हो, तो साथ में कमर भी हिट करनी है, दोनों हाथों को फिंगर्स को जॉइंट रखना है, हिट करना है और पीछे खड़े हो जाना है। रेडी, अब यहाँ से पूरा हिस्सा, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. जैसे ही 8 लास्ट करते हो, उसके बाद में फर्स्ट राइट हैंड साइड जंप करके खड़े होना है इस तरीके से, 1, फिर लेफ्ट वाले लेग पे खड़े होना है, चेंज 2, और ऑपोजिट साइड टो टच रखना है। उसके बाद में वहीं खड़े खड़े राइट वाले लेग को 2 times तक टैप करना है, थाई से अप करके, 3 and 4, ऐसे कैसे 4 डबल करना है, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4, 1 more time, 1, 2, 3 and 4। जब आप खड़े होते हैं तो थोड़ा स्काउट बनाना और टो पे पूरा लेगमेंट को टैप करना है। जब आप जंप करते हो राइट साइड, तो फर्स्ट राइट साइड में जाते हो तो लेफ्ट वाले हैंड को फोल्ड रखना है, राइट को स्ट्रेट रखना है, हाथों को पंच बना लेना, थोड़ा फ्री, चेंज 1, और थोड़ा सा पोज देना है लेफ्ट वाला टो पे, फिर राइट वाला टो पे, चेंज 4। अब इसके बाद में राइट वाले हैंड को 2 times तक पंप करना पैर के साथ में ऐसे, 3 and 4, थोड़ा नेक वगैरह चला के पूरा बॉडी के साथ ऐसे 2 times तक कंटिन्यू करना है, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4। जैसे ही 4 लास्ट करते हो वो आँखों वाला वापस आएगा पूरा का पूरा, चेंज 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8। जैसे ही आपने 8 लास्ट किया, उसके बाद में राइट वाला लेग राइट साइड बाहर निकालना है, लेग जॉइंट कर देना है, फिर लेफ्ट वाला लेग बाहर निकालना है और पूरा जॉइंट कर देना है। जब राइट लेग बाहर निकालते हो तो राइट हैंड फेस के आगे से लेना है, हाथ पीछे लेना है, फिर लेफ्ट वाला लेग निकालते हो तो लेफ्ट हैंड को फेस के आगे से लेना है और बंद करना है इस तरीके से, ये 1 and 2, 3 and 4। जैसे ही 4 लास्ट करते हो, उसके बाद में राइट वाले लेग को आगे टच करना है और 4 times तक थाई से उठा के टैप करना है और थोड़ा थोड़ा सा आगे आने का ट्राई करना है, 1, 2, 3, 4, आगे थोड़ा रग करते करते इस तरीके से, 1, 2, 3 and 4,
जब आप ये टैप करते करते आगे आ रहे हैं तो दोनों हाथों को पहले तो क्रॉस में गालों पे टच करना है, थोड़ा सा दूर रखना है, फिर टच करना है, फिर दूर रखना है, इस तरीके से पैर के साथ करना है। 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3, 4 जैसे ही 4 लास्ट होता है पीछे भाग जाना है, यहाँ पे आ तक के कमर पे आ तक के और थोड़ा सा पीछे भाग जाना है। रेडी, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 जैसे ही 1, 2, 3 लास्ट होता है, जो पहले वाले पार्ट में अपन ने सीखा था वही वाले वापस वर्ड आ जाएंगे यहाँ से। 5, 6, 7 स्टार्ट, 1 में ये 2 में ये 3 and 4 5, 6 शेक एंड टर्न चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 चेंज, 1, 2, 3 and 4 जैसे ही 4 लास्ट करते हो उसके बाद में थोड़ा सा चेंज है, फिर अपन को आगे आना है फर्स्ट राइट वाले स्टेप से इस तरीके से 1 and 2, फिर लेफ्ट वाले स्टेप से 3 and 4। जब हाथ जब इस तरीके से आगे आ रहे हैं तो राइट वाला लेग जब आता है तो लेफ्ट हैंड को इस तरीके से 1 and 2, फिर लेफ्ट आता है तो 3 and 4। अभी पूरा एक साथ करते हैं, 5, 6, 7 स्टार्ट, 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, shake and change, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आई होप कि आपको ये डांस सीखने में बहुत ही आसानी हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।